इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस को यूज करना जरूरी है या फिर इसको यूज किए बिना ही अगर हम जीएसटीआर 3B फाइल कर दें तो कोई इश्यू आएगा या नहीं आएगा, ये एक क्वेश्चन हमारे प्रोफेशनल ने हमारे साथ में शेयर किया था। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आईएमएस एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग के जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसे यूज करना जरूरी है या नहीं है। जैसे ही हम आईएमएस रिपोर्ट ओपन करते हैं, इनवर्ड सप्लाई है, यहां पर हम व्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, यहां पर आपको एक पॉपअप ओपन नजर आता है, रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर। दैट मीन्स कि अगर हम टैक्स पेयर हैं, यानी कि जीएसटी का रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वो डिटेल शो की, ये हमारे आईएमएस रिपोर्ट के अंदर शो हो रही है। अगर आईएमएस के किसी भी इनवॉइस के ऊपर अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है नो एक्शन इज टेकन बाय द टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज ए डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन। मतलब सर ये है कि अगर आप आईएमएस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, या तो आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर अगर आप पेंडिंग के किसी भी ऑप्शंस पर आप क्लिक नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फिगर आपके जीएसटीआर 2B में चला जाएगा। अब इसके प्रीवियस में आईएमएस रिपोर्ट, यानी कि आईएमएस ये जो सिस्टम आने से पहले हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर जो भी इनपुट था वो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो जाता था और जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में आ जाता था। लेकिन अब बीच में एक आईएमएस आ गया कि आईएमएस के अंदर आप उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला ऑप्शन है, आप उस पर अगर आपकी कोई भी ऐसी आईटीसी है जो एक्चुअल में आपकी नहीं है लेकिन आपको दिख रही है, तो वहां पर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इनवॉइसेस अगर आपके पास में है, तो आपको क्या वो एवरी इनवॉइसेस या एवरी टैक्स पेयर जिसने भी आपको गुड सेल्स किया हुआ है उन सबको एक्सेप्ट करना जरूरी है या नहीं है? तो यहां पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट या कोई भी एक्शन अगर आप आईएमएस पर नहीं लेंगे या फिर आप उसको ओपन ही नहीं करेंगे और आप जीएसटीआर 2B को रिकनसाइल कर देंगे आपके टेली के डेटा के हिसाब से और प्रॉपर मैच कर रहा है, तो आपको आईएमएस को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, आईएमएस का यूज करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आईएमएस तब यूज किया जाता है जब आपको किसी इनवॉइस को रिजेक्ट करना हो, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी आपके जीएसटीआर 2B में शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट करोगे या फिर पेंडिंग करोगे तो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे इनवॉइसेस है जो आप जीएसटीआर 2B में नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप आईएमएस के ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी इनवॉइसेस आपको शो हो रहे हैं वो सभी इनवॉइसेस अगर आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके हिसाब से, उसका आईटीसी आपको मिलना चाहिए जो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर आपको आईएमएस यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है एक अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल के लिए, और बीच बीच में वो बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं। अब जैसे उन्होंने बोला कि जीएसटीआर 3B आपका लॉक होने वाला है, क्योंकि यहां पर उन्होंने लेके आ गया जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपके कोई भी चेंजेस होते हैं वो जीएसटीआर 1A में आप कर सकते हैं, अगर आपके जीएसटीआर 2B में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला ऑप्शन आपको आईएमएस में उन्होंने दे रखा है, तो फिर January 2025 से आपका जीएसटीआर 3B लॉक हो जाएगा, यानी कि इसमें आप कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। अभी आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो आप यहां पर मैन्युअली डेटा इनपुट कर सकते हैं, लेकिन January 2025 से आप मैन्युअल डेटा इनपुट नहीं कर पाएंगे। जो आईटीसी आपको लाना है उसके लिए आपको आईएमएस यूज करना होगा, और जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपको कुछ भी अमेंड करना है, कोई इनवॉइसेस भूल गए, तो वो आपको जीएसटीआर 1A के अंदर सुधारना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर हो गया कि आईएमएस यूज करना कंपलसरी है या नहीं है। अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।